पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बढ़ते आगे, हाथरस से बड़ी खबर आ रही। खाकी के दामन पर एक और दाग लगा है। दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। तो हाथरस से बड़ी खबर आपको बता दें कि खाकी के दामन पर एक और दाग लग गया है। दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। काफी सुर्खियों में ये वीडियो हाथरस में और काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, इसके पहले भी हाथरस में गुड़िया कांड को लेकर पुलिस के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठे थे, लेकिन एक बार फिर हाथरस की पुलिस सुर्खियों में है। हाथरस की पुलिस के ऊपर एक बार फिर से दाग लगा है। दरोगा पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथरस से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाकी के दामन पर एक और दाग लग गया है। इससे पहले जब गुड़िया के साथ में गैंगरेप हुआ था, उसका अंतिम संस्कार बिना परिवार वालों के कर दिया गया, तो इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठे थे। हाथरस की पुलिस पर सवालों के घेरे में थे और एक बार फिर से दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। हाथरस में मारपीट के मामले में आरोपी पक्ष को बचाने के लिए यह रिश्वत लेने का आरोप लगा है और सिकंदरा कोतवाली के कार्यालय का पूरा मामला बताया जा रहा है। दरोगा ने 2000 रुपए की रिश्वत ली है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो कचौरा चौकी पर तैनात दरोगा रामवीर पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है और 2000 रुपए मारपीट के मामले में आरोपी पक्ष को बचाने के लिए 2000 रुपए ये मांग रहे थे और इसका वीडियो किसी ने बना लिया, जिसके बाद ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो हाथरस की पुलिस पर एक बार फिर से दाग लग गया है। रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कचौरा चौकी में तैनात दरोगा रामवीर पर। आपको बता दें कि मारपीट के मामले में आरोपी पक्ष को बचाने के लिए दरोगा ने रिश्वत मांगी थी और रिश्वत लेते हुए वहां पर खड़े किसी ने इनका वीडियो बना लिया और वीडियो को जमकर वायरल कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से हाथरस की पुलिस सवालों के घेरे में। और हाथरस से हमारे संवाददाता सूरज मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सूरज, जो वीडियो वायरल हुआ है, पूरा मामला उसमें क्या है, किस वजह से दरोगा ने रिश्वत मांगी थी और वीडियो किन लोगों ने बनाया है? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला हाथरस कोतवाली का है, जहां पर एक दरोगा ने आरोपी पक्ष से आरोप से बचाने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत ली। 2000 रुपए की रिश्वत की वीडियो जो है वहां किसी ने वीडियो बना लिया, उसके बाद इस वीडियो को सोशल साइट पर सोशल मीडिया यानी ग्रुपों में डाल दिया गया, वायरल कर दिया गया। उसके बाद जब वीडियो सामने आया है, जिस तरीके से सामने आया कि ये कचौरा चौक पर तैनात हैं जो रामवीर सिंह, इनका जो वीडियो है और ये बिल्कुल बाकायदा जो थाने जो कहें कोतवाली है, कोतवाली के अंदर उन जो है आरोपी पक्ष है उससे 2000 रुपए की रिश्वत ली गई। जब पहले ना आरोपी ने 1500 रुपए दिए तो दरोगा जी ने लेने से मना कर दिया, उसके बाद 500 रुपए और मांगे, तो जब बाद में 2000 रुपए दिए गए तो तुरंत उन्हें दरोगा जी ने, जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है कि दरोगा जी ने पैसे लेकर जेब में रख लिए, कहीं ना कहीं पुलिस पर, हाथरस पुलिस पर सवाल हमेशा खड़े होते आ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस पर, चाहे वो गुड़िया का मामला हो चाहे कोई अन्य मामला हो, पुलिस सवालों के घेरे में रहती है। कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है, इस वीडियो से साफ दिख रहा है कि पुलिस की जो खाकी है उस पर एक बार फिर दाग लगा है। जिस तरीके से हम दिखाते चले आ रहे हैं पुलिस की लापरवाही हर मामले, यहाँ भी एक पुलिस की लापरवाही देखने को मिली कि ना एक आरोपी पक्ष से 2000 रुपए का रिश्वत ले ली गई, उसका वीडियो जब सोशल मीडिया साइट पे वायरल हो गया, तब इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कार्रवाई तो होगी क्योंकि इस तरीके का वीडियो सामने आता है तो पुलिस अधिकारी अपने अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल कार्रवाई करते हैं, जो इस तरीके के जो कर्मचारी जो होते हैं या पुलिसकर्मी जो होते हैं उनके खिलाफ। जब वीडियो जो ये वीडियो बताया जा रहा है कि ना दरोगा जब पुरदेन नगर चौकी पर तैनात था तो उस समय ना आरोपी पक्ष से कोई मामला रहा होगा झगड़े का, उसके बाद मारपीट का, उसमें जो दरोगा ने आप जब वीडियो के 2000 रुपए लिए तो उसके बाद ये वीडियो सोशल साइट पे वायरल हो गया। वायरल होने के बाद दरोगा के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ये सोचने की बात है। जी धीरेन जी, सूरज तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।